आने वाले पांचों चुनावों में, जिन पांच प्रदेशों में चुनाव हो रहे हैं, दीवार पर लिखी इबारत है कि दुविधाग्रस्त कांग्रेस के पांचों चुनाव हारेगी। जहां तक चिदंबरम जी का सवाल है, उन्होंने कुछ आंकड़े रखे और ये कहा कि बीजेपी ने कहा था हम डबल डिजिट में ग्रोथ देंगे, हम तो उनको 8.1 की ग्रोथ देकर गए थे और वो 7.8 पर आ गए। पता नहीं उन्होंने कहां से ये आंकड़ा गढ़ा है, लेकिन मैं आपको स्पष्ट तौर पर आंकड़ा बता दूं कि कांग्रेस के 10 वर्षों की औसत वृद्धि 6.7% थी, 6.7%, और भारतीय जनता पार्टी के पिछले 3 सालों में 7.3% 7.3% की वृद्धि हुई और इस वर्ष 7.6% 7.6% की वृद्धि हुई। और मैं चिदंबरम जी को एक बात जरूर याद दिलाना चाहूंगी, क्योंकि तो वही वित्त मंत्री थे, कि IMF और वर्ल्ड बैंक, उनके समय उन्होंने इंडियन इकोनॉमी को, भारतीय अर्थव्यवस्था को फ्रिजाइल फाइल में रखा था, यानी विश्व में जो लुढ़कने वाली व्यवस्थाएं थी, सबसे शिथिल सबसे कमजोर, ऐसी 5 अर्थव्यवस्थाओं में भारत की गिनती हुई थी। और आज वही दोनों संस्थाएं IMF और वर्ल्ड बैंक भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी का नाम देती हैं। विश्व में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था भारत की अर्थव्यवस्था मानी जा रही है।